How are you? Welcome to my YouTube channel Pankaj Physics Gulati. Students, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फोर सैम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट 4 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिवाइड मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, और जिसको हम डिराइव टी क्यूब लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको मिनिमम 6 मार्क्स में और मैक्सिमम 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की सबसे पहले बात की थी डूलोंग एंड पेटिट ने, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं डूलोंग एंड पेटिट लॉ। वो हमें ये कहता था कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स होती है, जिसको हम सीवी से डिनोट करती है, वो टेम्परेचर टी पर डिपेंड ही नहीं करती। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, सभी सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी और वो 3R के बराबर रहेगी। बट स्टूडेंट, जो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा था, जब हम उसके हिसाब से हमने कर्व प्लॉट किया, तो हमने ये देखा कि जो स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड्स की, वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। तो वहाँ पर डूलोंग पेटिट लॉ जो है वो फेल हो गया था। वो हमें ये नहीं बता पाया था कि लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स होती है वो डिक्रीज क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है वो डूलोंग पेटिट लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर लिया है और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड सीवी को हमने वाई एक्सिस पर लिया है। तो डूलोंग पेटिट लॉ के हिसाब से जो सीवी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। हर टेम्परेचर के लिए जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है वो कॉन्स्टेंट रह रही है और वो 3R के बराबर रह रही है। बट जो सॉलिड कर्व है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल कर्व है, उसके हिसाब से जो सीवी की वैल्यूज है वो लो टेम्परेचर पर 0 को अप्रोच करती हैं। तो डूलोंग पेटिट लॉ जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। लो टेम्परेचर पर डूलोंग पेटिट लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता। इसके बाद आई थी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। उसमें आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके हमें ये बताया था कि हाई टेम्परेचर पर तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो होती है वो 3R के बराबर होती है, और लो टेम्परेचर पर सीवी की जो वैल्यूज हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हैं। ये सब कुछ हम आइंस्टाइन थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, डूलोंग पेटिट लॉ एंड आइंस्टाइन थ्योरी जो थी, इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे तब आपको जो आज का डिवाई मॉडल है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स का वो अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम थी। आइंस्टाइन थ्योरी में ये प्रॉब्लम थी, इस ग्राफ से हम समझते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी में क्या लिमिटेशन थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि जो आइंस्टाइन कर्व थी, आइंस्टाइन के हिसाब से जो सीवी की वैल्यूज हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर जो सॉलिड लाइन है वो आइंस्टाइन कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, आइंस्टाइन के थ्योरेटिकल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सर्कल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो हमें कर्व मिली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आइंस्टाइन थ्योरी है और जो डॉटेड लाइन है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। तो आइंस्टाइन थ्योरी में भी क्या लिमिटेशंस थी। आइंस्टाइन थ्योरी में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम किसी सॉलिड को थर्मल एनर्जी देते हैं तो सभी एटम जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और सभी एटम्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो सेम होती है। ये हमें कहा था आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के अंदर। उन्होंने ये भी कहा था कि हर एक एटम जो है वो दूसरे एटम से इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेगा। बट स्टूडेंट्स, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, एक एटम जो है वो थाउजेंड ऑफ एटम से सराउंडेड रहता है, एक एटम जो है वो बहुत सारे एटम्स के फोर्स फील्ड में रहता है, तो उनका जो वाइब्रेशनल मोशन है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो आपस में कपल्ड जरूर होगा, क्योंकि हर एक एटम जो है वो बहुत सारे एटम्स के फोर्स फील्ड में रहता है। डिबाय ने ये कहा कि सारे एटम जो हैं उनका वाइब्रेशनल मोशन इंडिपेंडेंट ना होके आपस में कपल्ड होगा, और हर एक एटम जो है वो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेगा, बल्कि वहां पर हमें रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलेंगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी से लेके एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम डिवाइस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में एटम जो है वो वाइब्रेट करेंगे, ना एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेंगे, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट करेंगे। डिबाई ने अपने मॉडल में सभी एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन को इंडिपेंडेंट नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वाइब्रेशनल मोशन जो है एटम्स का वो डिपेंडेंट होता है और एक दूसरे के साथ कपल्ड होता है, तो इंडिविजुअल एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन को ना कंसिडर करके उन्होंने पूरे सॉलिड के, जिस एटम से मिला के सॉलिड बना है, पूरे सॉलिड को उन्होंने एक इलास्टिक बॉडी माना। और उन्होंने ये भी कहा कि जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन के कारण इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पर इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर वेव एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए, सपोज वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए एक्स डायरेक्शन में, तो अगर हमारा एटम भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो इस प्रकार की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव। और अगर हमारी जो वेव प्रोपोगेशन है वो इस डायरेक्शन में है और एटम जो है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट कर रहा है, तो उस प्रकार की वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टार्टिंग की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। द मेन अजम्पशंस ऑफ डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आर एज फॉलो। सबसे पहले आपको इस मॉडल की अजम्पशंस लिखनी पड़ेंगी, ये मॉडल आइंस्टाइन थ्योरी या फिर डूलोंग पेटिट लॉ मॉडल से कैसे अलग था वो आपको पहले बताना पड़ेगा तीन चार पॉइंट्स में। तो पहला अजम्पशन जो थी, जो डिबाई ने अपने मॉडल में बताई थी, वो क्या अजम्पशन थी? इन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ईच एटम इज सपोज्ड टू वाइब्रेट एज अ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स। तो पहले आपको आइंस्टाइन थ्योरी की लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। आइंस्टाइन थ्योरी में क्या कहा था कि हर एक एटम जो है वो एक सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है और उनका जो वाइब्रेशन होता है वो नेबरिंग एटम से इंडिपेंडेंट होता है, उनके वाइब्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। बट द सिचुएशन इज नॉट सो सिंपल बिकॉज ईच एटम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ अदर वाइब्रेटिंग एटम्स। बट आइंस्टाइन ने ये जो अजम्पशन ली थी कि हर एक एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेगा, ये बिल्कुल गलत थी। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये होता है कि हर एक एटम जो है वो बहुत सारे एटम से सराउंडेड रहता है, बहुत सारे एटम जो है आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी क्लास है और क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आप एक साथ बैठते हैं तो क्या आपस में आपका इंट्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप साथ साथ हैं तो आपके बीच में कुछ हैबिट्स का या किन चीज़ों का आदान प्रदान तो होगा ही। उसी प्रकार से एक सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल इंट्रैक्शन तो ऑब्वियस है कि वो होगा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक एटम जो है वो बहुत सारे एटम्स के फोर्स फील्ड में रहता है, जिसकी वजह से उनका वाइब्रेशनल मोशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था। और आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि सारे एटम जो है वो एक ही फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। डिबाई टुक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ कपलिंग बिटवीन नेबरिंग एटम्स एंड कंसीडर द सॉलिड एज अ कंटीन्यूअस इलास्टिक बॉडी। डिबाई ने आइंस्टाइन की इस अजम्पशन को रिजेक्ट कर दिया कि एटम्स इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करते हैं। डिबाई ने यह कहा कि एटम्स के जो वाइब्रेशनल मोशन होते हैं वो कपल्ड होते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि एक पूरी की पूरी सॉलिड बॉडी जो है वो एक तरह से इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करती है। जो हमारा सॉलिड है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, वो साल पूरी की पूरी सॉलिड बॉडी जो है वो एक इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो पहले जंक्शन में आप ये लिखेंगे। सेकंड, अकॉर्डिंग टू डिबाई मॉडल इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। डिबाई ने यह कहा कि जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजिशन के अबाउट तो वहां पर इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो दो वेव्स जो इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स होंगी वो दो प्रकार की होंगी। एक होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर हमारा एटम जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से अगर हमारी वेव इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है और एटम भी हमारा इस तरह से ही वाइब्रेट कर रहा है तो इस प्रकार की वेव को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव। और अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है और एटम जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो उस प्रकार की वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो स्टूडेंट दो अजम्पशन हमने लिख ली हैं, बाकी के अजम्पशन क्या थी और कैसे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे डिवाइन मॉडल का, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि डिबाय मॉडल में और कौन कौन सी अजम्पशन थी। जो तीसरी अजम्पशन थी उसमें आप क्या लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ दिस इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स बाय नॉट कॉन्टिन्यूस बट क्वांटाइज्ड। देखिए स्टूडेंट, डिबाय ने सेकंड अजम्पशन में क्या कहा था कि जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो वो इलास्टिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और उन इलास्टिक वेव्स की जो एनर्जीज होंगी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगी, हर पॉसिबल वैल्यूज की एनर्जीज नहीं होंगी, बल्कि उनकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, मीन्स जो एनर्जीज होंगी इलास्टिक वेव्स की वो क्वांटाइज होंगी। तो ये तीसरी अजम्पशन थी। आइए बात करते हैं चौथी अजम्पशन की, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स आर लिमिटेड टू 3n। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास सॉलिड का एक मोल है, एक मोल ऑफ सॉलिड है हमारे पास, तो एक मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6×10^23 होती है, मीन्स उस सॉलिड के अंदर 6×10^23 एटम्स होंगे अगर हम एक मोल ऑफ सॉलिड लेके चलते हैं। और एवोगैड्रो नंबर को अगर हम एन से डिनोट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, और वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक एटम के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो तीन होते हैं। एटम जो है वो एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस में वाइब्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंट है, तो एक एटम के तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, तो एन एटम्स के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो वाइब्रेशन मोड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 × नंबर ऑफ एटम दैट इज n। तो हमारे पास वाइब्रेशन मोड जो होंगे वो 3n होंगे, मैंने आपको बता दिया, वेयर n इज एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6×10^23 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मैंने यहां पे आपको बता भी दिया कि n के n एवोगैड्रो नंबर है जिसकी इतनी वैल्यू होती है 6×10^23, और ये कितने एटम्स हैं, ये वन मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट एटम्स हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, पांचवा अजम्पशन क्या थी, देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू डी कॉल्ड डिबाय फ्रीक्वेंसी अबव व्हिच नो वाइब्रेशन टेक प्लेस। देखिए स्टूडेंट, डिबाय मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एक अपर लिमिट होगी, उस वाइब्रेशन से ज्यादा वाइब्रेशन से कोई भी एटम वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। ये दोनों वेव्स के लिए ट्रू होगी बात, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिबाय फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉमन टू बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स कभी भी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर एक अपर लिमिट जो है सेट की होती है फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम डिबाय फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जो अगला एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखना है। अब हम आगे लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोड्स ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डीबी आर गिवन बाय। आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज लेनी है और वो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो हमने ली है न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू तक। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स होंगे लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स दोनों को मिला के कितने नंबर ऑफ मोड्स होंगे वो आपको याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स मोड्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मोड से डबल होते हैं, इस चीज को आप समझिए। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसवर्स मोड में क्या होगा, एटम एक बार मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन जाएगा, फिर मीन पोजीशन से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के ऊपर नीचे मोशन है ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर एटम के, पहले मीन पोजीशन से ऊपर फिर मीन पोजीशन से नीचे। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स के हम डबल मोड लेके चलते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। लॉन्गिट्यूडनल मोड में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कब जनरेट होती है, जब एटम जो है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट हो रही है, और ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ट्रांसवर्स मोड्स जो है हमेशा आपने डबल लेके चलने हैं, और ट्रांसवर्स मोड और एंड लॉन्गिट्यूडनल मोड्स का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, आइए देखते हैं, 4πv न्यू स्क्वायर बाय वी टी क्यूब डी न्यू। ये तो है हमारे पास ट्रांसवर्स मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू तक, 4πv न्यू स्क्वायर वी टी क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, वी जो है कैपिटल वी जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड के, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और वीटी क्या है, वीटी है ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट, न्यू को आप ऐसे लिखेंगे, न्यू को आप ऐसे लिखेंगे, स्मॉल वी को आप ऐसे लिखेंगे जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में। स्मॉल वी को यहाँ से मोड़ के लिखूंगा तो वो स्मॉल वी को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल वी जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसवर्स मोड्स। लॉन्गिट्यूडनल मोड्स भी बिल्कुल सेम लिखना है, जैसे आपने यहाँ लिखा है वैसे आपने यहाँ लिखना है, बट वी टी की जगह आपने वी एल कर देना है, वी एल का क्यूब कर देना है। वी एल क्या है, वी एल है स्मॉल वी एल जो है वो है
वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो ट्रांसवर्स मोड्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स के डबल होते हैं, तो इस टर्म को आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं, ये हमारे ट्रांसवर्स मोड्स हैं। अंदर का एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है, यहाँ वी टी है, यहाँ वी एल है, बट आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसवर्स मोड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मोड से डबल होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और आप बताएंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखने के बाद आप बताएंगे यहाँ पर वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। V is equal to volume of solid. V जो है वो solid के volume को denote कर रहा है। Small vt velocity of transverse waves. VL velocity of longitudinal waves. तो ये भी आप लिखेंगे first equation के नीचे। तो students इसके आगे की mathematical derivation हम करेंगे next section के अंदर। तो students last section में हम total number of modes निकाल चुके थे transverse and longitudinal modes को add करके in the frequency range nu से लेकर nu plus d nu, तो वो कितने निकल के आए थे। तो last section में हमने यहाँ तक नहीं लिखा था number of modes transverse plus longitudinal in the frequency range nu to nu plus d nu r, total number of modes कितने थे transverse और longitudinal mode दोनों को मिला के इस frequency range में nu से लेकर nu plus d nu तक। ये थे हमारे पास transverse numbers of modes 5, 4 pi v न्यू स्क्वायर बाय वी टी क्यूब डी न्यू प्लस, ये थे हमारे लॉन्गिट्यूडनल नंबर ऑफ मोड्स जो कि बिल्कुल इस जैसे थे, बट यहाँ पर वी टी की जगह हमने क्या लगाना था, वी एल लगाना था जो कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्रेशन है इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, बट यहाँ पर वी टी है, यहाँ पर वी एल है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और ट्रांसफर नंबर ऑफ मोड डबल होते हैं तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। देखिए स्टूडेंट्स अब इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4πv कॉमन आ रहा है, 4πv ये कॉमन आ रहा है बाहर 4πv, तो हम 4πv बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 2 upon vt cube plus 1 upon vl cube और हमने nu square d nu, ये वाली टर्म भी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये हमने बाहर ले ली। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स आगे 4πv 2 divided by vt cube plus 1 upon vl cube nu square d nu, ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स आए हैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आए हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे सारी फ्रीक्वेंसीज को मिला के, वो होंगे हमारे पास अगर हम इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स मिल जाएंगे पूरे सॉलिड के अंदर। टोटल नंबर ऑफ मोड्स आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको टोटल वर्ड नहीं यूज करना है, टोटल वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है। ये थे नंबर ऑफ मोड्स इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, ये है टोटल नंबर ऑफ मोड्स। वो आपको कैसे मिलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जितने आपने मोड्स निकाले हैं उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, सो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ मोड्स वो कितने होंगे। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4πv 2/vt³ plus 1/vl³ nu square d nu, और आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो जीरो होगी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी d / फ्रीक्वेंसी nu d के बराबर। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करेगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको न्यू डी लेनी है ऊपर, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये पूरी ही पूरी चीज कांस्टेंट है, न्यू स्क्वायर को छोड़ के हम न्यू के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बाकी हर चीज को आपको बाहर ले लेनी है। और टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमने एजम्पशंस में कितने लिखे थे, टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो अवेलेबल होंगे सारे आइटम्स को मिला के वो होंगे 3n, तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स को हम लिख देंगे 3n। जो हमने चौथी एजम्पशन ली थी वहां पर हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो होंगे वाइब्रेशनल मोड जो अवेलेबल होंगे आइटम्स के लिए वो 3n होंगे, 3 जो है हर एक एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने n अज्यूम किए थे, तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स हो जाएंगे 3n, दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म था वो आप बाहर ले लीजिए, 4πv ब्रैकेट स्टार्ट 2/vt³ plus 1/vl³ इंटीग्रेशन न्यू स्क्वायर डी न्यू और यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर न्यू डी तक। न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, न्यू क्यूब बाय 3 होता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, तो न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा न्यू क्यूब बाय 3। और इस पूरी टर्म को हमने इसके नीचे ले जाना 3 एनडी क्योंकि हम बेसिकली न्यू डी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, डी बाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये पूरी कॉन्स्टेंट टर्म को 3n के नीचे ले जाएंगे। सो आपको मिलेगा 3n डिवाइड बाय 4πv, ये नीचे आ गया और ये पूरी ब्रैकेट नीचे आ जाएगी 2/vt³ plus 1/vl³ इक्वल टू न्यू क्यूब बाय 3 0 से लेकर न्यू डी, लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आप लिमिट्स पुट करेंगे और इस 3 को, इस कॉन्स्टेंट 3 को आप यहाँ भेजेंगे, तो ये बन जाएगा 9n 3 मल्टीप्लाई 3 9n डिवाइड बाय 4πv
ब्रैकेट स्टार्ट 2 बाई वी टी क्यूब प्लस 1 बाई वी एल क्यूब इक्वल टू न्यू की जगह पहले न्यू डी पुट करेंगे तो आपको मिलेगा न्यू डी क्यूब, फिर न्यू की जगह आप जीरो पुट करेंगे फिर आपको मिलेगा माइनस जीरो क्यूब, तो जीरो हटा देंगे हम तो आपको न्यू डी क्यूब की वैल्यू मिल चुकी है। ये जीरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, न्यू डी क्यूब की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें न्यू डी की वैल्यू निकालनी है तो इस थ्री को हम क्या कर देंगे इधर 1/3 लिख देंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा। तो आपके पास न्यू डी की वैल्यू आ चुकी है 9n/4πv ब्रैकेट स्टार्ट 2/vt³ प्लस 1/vl³ बड़ी ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/3 इक्वल टू न्यू डी। तो डिवाइस फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं जो आपको इस टॉपिक में निकालनी है। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल एनर्जी फॉर द होल सिस्टम, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने डिवाइस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था, अब हम निकालेंगे पूरे के पूरे सॉलिड की टोटल एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मींस एक वाइब्रेटिंग एटम की जो एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी, एवरेज वाइब्रेशन एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है आइए देखते हैं। उसी से हमारी टोटल एनर्जी निकलेगी आगे पूरे सॉलिड की। तो आप लाइन लिखेंगे द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक एटम है मींस एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हम एटम को ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल रहे हैं जो कि इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है टी टेम्परेचर के ऊपर। तो उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी, एवरेज वाइब्रेशन एनर्जी कितनी होगी, ये हमने आइंस्टाइन थ्योरी में भी ये एक्सप्रेशन यूज किया था, वहां पर इसकी डेरिवेशन भी की थी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा जो एवरेज एनर्जी होती है एक ऑसिलेटर की जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है टेम्परेचर टी के ऊपर वो होती है यू बार, एवरेज एनर्जी को हम यू बार से नोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस वन। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये है एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर। टोटल वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय, अब हम यू बार से टोटल एनर्जी यू कैसे निकालेंगे वो चीज आपको देखने वाली है। सो टोटल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे यू से, यू कैसे निकलेगा अगर हम प्रोडक्ट करें एवरेज एनर्जी का यू बार का किसके साथ, नंबर ऑफ मोड्स का। नंबर ऑफ मोड्स कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू में, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में जितने नंबर ऑफ मोड्स हैं उसको अगर हम एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे सिस्टम की पूरे सॉलिड की टोटल वाइब्रेशन एनर्जी मिल जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, पहले आपको प्रोडक्ट करना है एवरेज एनर्जी ऑफ एक ऑक्सीलेटर की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है, तब आपको टोटल वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगी। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स रहेंगी वो रहेंगी जीरो से लेके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक जो कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रख सकती हैं, वो है डिवाइस फ्रीक्वेंसी न्यू डी जिसका एक्सप्रेशन अभी हमने पीछे सेक्शन में निकाला था। तो हमें क्या करना है यहाँ पर यू बार की वैल्यू पुट करनी है, ये पता हमें यू बार इतना है, और नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वो भी हमने पिछले सेक्शन में लिखे हैं, उसकी वैल्यू भी पुट करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर न्यू डी, यू बार की वैल्यू कितनी है इतनी है एच न्यू बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस वन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोड्स कितने थे फ्रीक्वेंसी ने न्यू प्लस डी न्यू की रेंज में, वो भी हमने पिछले लिखे थे, ट्रांसवर्स मोड्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, और उन दोनों में से कॉमन लेके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था अगर आपको ध्यान हो पिछले सेक्शन की पहली लाइन में 4πv ब्रैकेट स्टार्ट 2/vt³ प्लस 1/vl³ न्यू स्क्वायर डी न्यू, यहां पर प्लस का साइन है बीच में और ये न्यू है, ये v है स्मॉल v और ये कैपिटल v है। ये मैं आपको पिछले सेक्शंस में बता चुका हूँ इनके मीनिंग्स क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर लेते हैं, सिर्फ न्यू वाली टर्म्स हमने अंदर रखनी है क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रही है वो सिर्फ न्यू के रिस्पेक्ट में हो रही है। सो 4πv कॉन्स्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट कॉन्स्टेंट है इसको हमने बाहर ले लिया 2 बाय, यहाँ पर आपको v लिखना है। देखिए मैंने भी यहाँ गलती कर दी, v की जगह न्यू लिख दिया क्योंकि v और न्यू में डिफ्रेंशिएट करना आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। v को आपको इस तरह से मोड़ के लिखना है स्मॉल v को, और न्यू को आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने ये न्यू लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट मैंने बाहर ले ली, कांस्टेंट है ये 2/vt³ प्लस 1/vl³ बाहर ले लिया, और एच भी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक एच आ रहा है, ये भी कांस्टेंट है, न्यू इंटू न्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा न्यू क्यूब हो जाएगा, और नीचे एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस वन आपको रखना पड़ेगा अंदर क्योंकि यहाँ पर भी न्यू आ रहा है, न्यू वाली टर्म्स आपको अंदर रखनी पड़ेंगी, डी न्यू ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से बड़ी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अब हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है,
अभी ये हमने पीछे डिवाइस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाला था, उसमें ये टर्म आ रही थी। डिवाइस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था पिछले सेक्शन में, अगर आपको याद हो, न्यू डी इज इक्वल टू 9n बाय 4 पाई वी ब्रैकेट स्टार 2 वीटी क्यूब प्लस 1 बाय वीएल क्यूब की पावर 1/3। ये एक्सप्रेशन हमने डिवाइस फ्रीक्वेंसी का निकाला था लास्ट सेक्शन में। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो यहां से 1/3 हट जाएगा और यहां पर क्यूब आ जाएगा। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, इसकी वैल्यू चाहिए 4 पाई वी 2 बाय वीटी क्यूब प्लस 1 बाय वीएल क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूं और वीडी क्यूब को नीचे ले आता हूं। सो 4 पाई वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 पाई वी 2 बाय वीटी क्यूब प्लस 1 बाय वीएल क्यूब विल बी इक्वल टू 9n बाय न्यू डी क्यूब। ये न्यू डी क्यूब मैंने नीचे लिख दिया, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस टर्म की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है जो कि निकल के आई है 9n बाय वीडी क्यूब। ये फोर्थ इक्वेशन को मैं यहां पर यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन में और इसकी जगह पुट करूंगा 9n बाय न्यू डी क्यूब। तो आप 9 लिखेंगे यूजिंग 4 × 3 वी गेट u इज इक्वल टू इस सर्कल टर्म की जगह इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आई है 9n बाय वीडी क्यूब आई है 9n बाय न्यू डी क्यूब वीडी न्यू डी क्यूब मल्टीप्लाई में h ऐसे रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी और अंदर वाला टर्म बिल्कुल सेम रहेगा जो यहां पर लिखा हुआ है अंदर लिखा हुआ है हमारे पास न्यू क्यूब बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय केटी माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी मैंने गलती कर दी, इस ब्रैकेट को आपको यहां लगाना है, माइनस 1 अलग है, एच न्यू बाय केटी एक्सपोनेंशियल के साथ है। तो स्टूडेंट्स यहां ठीक लिखा है हमने, तो हमारे पास टोटल एनर्जी यहां तक आ चुकी है। इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम कैपिटल यू की वैल्यू मींस टोटल एनर्जी फॉर द होल सॉलिड जो है यहां तक निकाल चुके थे, यू इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 9n बाय न्यू डी क्यूब एच इंटीग्रेशन 0 से लेकर न्यू डी तक न्यू क्यूब डी न्यू बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय केटी माइनस 1। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स अब हमें कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी, हमें लेट ये करना है एच न्यू बाय केटी को एक्स लेट करना है, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। सिर्फ इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंशियल के साथ लिखा हुआ ब्रैकेट में एच न्यू बाय केटी उसको आपको एक्स लेना है ताकि हमारी आगे की कैलकुलेशन जो है जो हमें केसेस डिस्कस करने हैं आगे इस टॉपिक के अंदर वो हमारे समझने आसान हो जाए और आगे की जो कैलकुलेशंस है वो आसान हो जाए, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से आप न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, न्यू की वैल्यू क्या आएगी केटी मल्टीप्लाई एक्स बाय एच। तो यहां से न्यू की वैल्यू निकाल दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। अगर न्यू ये है केटी एक्स बाय एच तो दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन करें सो डी न्यू विल बी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है टी कॉन्स्टेंट है एच कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, सो डी न्यू विल बी इक्वल टू केटी बाय एच डी एक्स। ये एट्थ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सिक्स सेवन्थ एट्थ को यहाँ पर यूज करना है फिफ्थ इक्वेशन में। एच न्यू बाय केटी की जगह हमें एक्स पुट करना है, इस न्यू को हमने एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है केटी एक्स बाय एच पुट करके इस न्यू की जगह, और डी न्यू की जगह हमें KTH by DX put करना है। तो आइए स्टूडेंट्स लाइन लिखते हैं using 6, 7 and 8 in 5. तो आपको क्या मिलेगा U is equal to 9nh, ये हमने इकट्ठा लिख दिया by new d cube integration 0 से लेके new d लिमिट्स हैं और यहाँ पर हमने न्यू की वैल्यू पुट की है। न्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यू की वैल्यू है KTX by H, KTX by H का क्यूब है तो क्यूब भी लिखना पड़ेगा। डी न्यू की वैल्यू कितनी है, डी न्यू की वैल्यू है KTH by into DX KT by H into DX, KT by H into DX और नीचे एक्सपोनेंशियल है और साथ में इसको हमने X लेट किया तो यहाँ पर X आ गया माइनस 1 आ गया। इस H से H हम काट देंगे तो बाकी सारी कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे, सिर्फ X वाली टर्म जो है वो हम अंदर छोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा U is equal to, बड़े ध्यान से देखना आपने, 9N by new D cube, 9N by new D cube हमारे पास है। देखिए स्टूडेंट्स हमने X cube अंदर छोड़ना है और KT by H का क्यूब बाहर लेना है, X वाली टर्म्स अंदर रखनी है क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो X के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि यहाँ DX लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम X क्यूब अंदर छोड़ देंगे, KT by H का क्यूब बाहर ले लेंगे। तो KT by H का क्यूब बाहर ले लिया और जो X की पावर 3 थी उसको हमने अंदर ही छोड़ दिया और KT को भी हमने बाहर ले लेना है, KT को भी बाहर ले लेना है, KT अपॉन H का क्यूब हमने बाहर ले लिया यहाँ पे होल क्यूब की फॉर्म में। और साथ में अंदर क्या बचेगा, X का क्यूब बचेगा और नीचे एक्सपोनेंशियल X माइनस 1 साथ में DX बचेगा, बाकी सारे टर्म्स जो है हमने बाहर ले लिए हैं X वाले टर्म्स को छोड़ के। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर न्यू डी क्यूब है तो इस न्यू डी को मैं इस क्यूब के अंदर भेज सकता हूँ, इस न्यू डी क्यूब को जो मैं इसके अंदर भेजूंगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यू विल बी इक्वल टू 9n ये वाला KT हमने आगे लिख दिया, ये वाला पीछे जो था हमने आगे लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट केटी क्यूब और साथ में एच है और साथ में ये न्यू डी क्यूब जो मैं अंदर भेजूंगा तो ये न्यू डी का होल क्यूब बन जाएगा
और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर न्यू डी एक्स क्यूब बाय एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 dx, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक करते हैं हम इस पार्ट में, टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आज हम यहीं तक इसको रोकते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे, पार्ट वन में हम यहाँ तक करते हैं, पार्ट टू हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने खत्म किया पार्ट वन, इस इक्वेशन से शुरू करेंगे 9th इक्वेशन से। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, एक तो 6th इक्वेशन और एक 9th इक्वेशन जो आप पार्ट वन की हैं वो मैं 9 डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ करूँगा पार्ट टू में, और यहीं से आगे हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कैसे इसने डिबाई मॉडल ने आइंस्टाइन की कमियों को दूर किया, आइंस्टाइन थ्योरी की कमियों को दूर किया, और फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी डिबाई मॉडल में, वो शॉर्ट कमिंग्स क्या थी वो भी हम पार्ट टू में ही स्टार्ट डिस्कस करेंगे। तो पार्ट टू जो होगा इसका, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलेंगे डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पार्ट टू वाले वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।